क्वेश्चन नंबर 29. देखो जरा क्या क्वेश्चन है. I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cot x log sin x, cot x log sin x dx. कैसे करेंगे बच्चों इसको इंटीग्रेट, बताओ जरा. किसका डेरिवेटिव है यहां पर? cot x. बताओ cot x किसका डेरिवेटिव होता है बच्चों? cot x होता है log sin x का डेरिवेटिव. अगर आप पुट करते हैं log sin x को, log sin x is equal to t. So log sin x का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? 1 upon sin x into sin x का डेरिवेटिव करेंगे, that is cos x into dx. क्या बन गया ये? dt. cot upon cos sin क्या हो गया? cot of x into dx is equal to dt. cot x dx आ गया. cot x dx किस dx को हम क्या रख दें? cot x और dx, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? dt, करेक्ट. और log sin x को हमने क्या लिया है? log sin x को हमने लिया है t. सो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू बच्चों log sin x हो गया t और ये हो गया dt. सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t की वैल्यू हम क्या डाल देंगे? log ऑफ sin x प्लस मॉड लगा दोगे इस पे, log मॉड sin x. ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होगा. स्क्वायर बाई 2. थर्टीएथ क्वेश्चन देखो जरा. I इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 प्लस sin x, 1 प्लस cos x. सॉरी. बताओ बच्चों कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? किसका डेरिवेटिव है यहां पर? 1 प्लस cos x. तो हम 1 प्लस cos x को t पुट कर लेते हैं. करो साथ साथ ट्राई करो. 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t. 1 प्लस cos x को क्या पुट करेंगे? t. डेरिवेटिव क्या होगा इसका 1 प्लस cos x का? 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, cos का डेरिवेटिव क्या आ गया? माइनस sin x into dx इज इक्वल टू dt. सो बच्चों यहां से sin x और dx की वैल्यू क्या आ गई? sin x into dx, ये किसके इक्वल हो गया? माइनस dt के इक्वल. सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल sin x dx, दैट इज माइनस dt. sin x dx की जगह क्या रखेंगे हम? माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, दैट इज t. सो माइनस dt अपॉन t. I इज इक्वल टू बताओ 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन बताइए. log ऑफ mod t, log ऑफ माइनस log ऑफ mod t प्लस c, और t के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? माइनस log ऑफ cos x, सॉरी 1 प्लस cos x. क्या लिया था हमने t को? 1 प्लस cos x प्लस c. ये इसका इंटीग्रेशन हो गया. ठीक है, हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो.
31st क्वेश्चन बताओ, 31st क्या है? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, क्या पुट करेंगे? वेरी गुड, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। सो माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी, एंड साइन एक्स डीएक्स क्या आ गया? माइनस डी टी। साइन एक्स डीएक्स क्या आ गया? माइनस डी टी। सो इंटीग्रल हमारा किसमें चेंज हो जाएगा? साइन एक्स डीएक्स के जगह क्या रखेंगे? माइनस डी टी माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? क्या लिख सकते हैं इसको बताओ जरा? टी टू द पावर माइनस टू। वेरी गुड, टी टू द पावर माइनस टू डी टी। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? एक पावर इंक्रीज कर देंगे, डिवाइडेड बाई न्यू पावर। तो पावर अगर इंक्रीज करेंगे तो नई पावर क्या होगी? टी टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या रखनी है? माइनस माइनस प्लस हो गया, और टी के जगह क्या रखेंगे? वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स, और इसकी पावर क्या है? माइनस वन प्लस सी। माइनस वन का क्या मीनिंग होता है? दैट इज वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी। समझ आया? ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई बच्चा बता सकता है कैसे करेंगे? देखो, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स, वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स dx, वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स dx। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, कौन बता सकता है? बता सकता है कोई बच्चा? देखो बच्चों, इस कॉट को चेंज करो आप। कॉट को किसमें चेंज करेंगे? साइन कॉस अपॉन, सो आप इसको लिखेंगे वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें। सो डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, क्या बनेगा डिनोमिनेटर? क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर? हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या है? साइन एक्स। एलसीएम कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। तो एलसीएम को न्यूमरेटर में लिखते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, एलसीएम न्यूमरेटर में आएगा, तो एलसीएम न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और इनटू क्या है? डी एक्स। करेक्ट, ओके बच्चों। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है बच्चों, देखो, इस साइन एक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं वो आपको अभी समझ आ जाएगा। 1 बाई टू इस साइन एक्स को बच्चों मैं लिख रहा हूं साइन एक्स। देखो ध्यान से, जो ऊपर 2 साइन एक्स है, न्यूमरेटर में 2 साइन एक्स है ना, 2 साइन एक्स। इस 2 साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। इसमें मैं प्लस कॉस एक्स कर देता हूं और माइनस कॉस एक्स कर देता हूं, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और इनको रीअरेंज कर लेता हूं मैं ऐसे, साइन कॉस को साथ में लिख लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक पेयर तो ये बन गया,
एंड सेकेंड, इन दोनों को मैं साथ में लिख लेता हूं, तो यहां पर क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये समझ आया आपको, एक पेयर ये बन गया। सो टू साइन एक्स को पहले क्या लिखा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, उसमें प्लस कॉस किया माइनस कॉस किया, तो ये क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, करेक्ट। तो यहां पर आप टू साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में बच्चों साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ, सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर के दोनों ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं, उन दोनों को हम डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, यहां क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बताओ समझ आया क्या, इंटू डी एक्स। ठीक है, यहां पर फर्स्ट वाले, यहां साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, वन। तो इंटीग्रल क्या हो गया, हाफ ऑफ दिस इज वन वन प्लस, यहां पर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, इंटीग्रल है पूरे का, तो इनटू में डीएक्स। देखो जरा, अगर इस वन को हम इंटीग्रेट कर दें तो वन का इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स, हाफ बाहर है, वन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, और इस टर्म का अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर आप इंटीग्रेशन लगा के रखेंगे। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, गॉट इट, समझ आया, इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, हाफ एक्स प्लस हाफ ऑफ दिस। ठीक है, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ दोनों के साथ, नहीं समझे, हाफ इस वन के साथ भी था और इसके साथ भी है, तो वन के जगह तो इंटीग्रेट होके एक्स आ चुका है, तो उसके साथ हाफ आ गया, और दूसरी टर्म के साथ में भी, ठीक है, हाफ लिखा जाएगा। बच्चों जो सेकेंड वाली टर्म है, इसमें आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ऊपर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में, तो क्या करेंगे आप, पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, डिनोमिनेटर को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, साइन का डेरिवेटिव बताओ कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव बताओ माइनस साइन एक्स, इंटू क्या होगा, डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू डी टी। माइनस साइन की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इंटू डी एक्स, और जो यहां से माइनस कॉमन लिया है उस माइनस साइन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, क्या आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी टी। सो इंटीग्रल आई किस में चेंज हो गया, इंटीग्रल आई चेंज हो गया हाफ ऑफ एक्स प्लस हाफ ऑफ बच्चों न्यूमरेटर में साइन एक्स
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के जगह क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स कंप्लीट के जगह क्या लिखेंगे, माइनस डी टी, एंड डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के जगह क्या लिखेंगे, टी, और साथ में ये माइनस साइन भी था तो ये माइनस मैंने पहले ही लगा दिया, यहाँ का जो प्लस था वो माइनस में चेंज हो गया, करेक्ट। अब क्या करें, I इज इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस हाफ, वन अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, log mod ऑफ t, क्या होता है log mod ऑफ t प्लस c, और t हमने किसको सब्सटीट्यूट किया था, देखो ध्यान से, साइन x प्लस कॉस x को, तो t को वापस रिप्लेस कर दें, हाफ x माइनस हाफ ऑफ log t इज व्हाट, कॉस x माइनस सॉरी साइन x प्लस कॉस x प्लस c, समझ आया, ठीक है, ये होगा हाफ ऑफ x माइनस हाफ log ऑफ साइन x प्लस कॉस x प्लस c, समझे, ऐसे करना है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33, करो ट्राई जरा, I इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स, बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन है, कॉट के जगह क्या आ गया 10 और प्लस के जगह क्या आ गया माइनस, कोई चेंज नहीं है पूरे क्वेश्चन में, टेन एक्स को क्या लिखेंगे, वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स को क्या लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम लेते हैं क्या होगा, देखो जरा क्या बन जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपॉन में एलसीएम क्या आएगा कॉस एक्स, इस कॉस एक्स को हम वापस न्यूमरेटर में लिख देते हैं, ठीक है, कॉस एक्स को कहां लिख देते हैं न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर क्या हो गया कॉस एक्स, देखो जरा फिर से भाई बताओ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू, तो ये हो गया टू कॉस एक्स, इसको लिखेंगे कॉस टू कॉस एक्स, इसको लिखेंगे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, समझ आया, पेयर अप कर लेंगे, किस किस को पेयर अप करेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को, आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, तो ये बन गया आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हाफ ऑफ, क्या करें इसमें, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स सॉरी सेपरेटली डिवाइड कर दें दोनों पेयर्स को, तो एक जगह तो क्या आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है डी एक्स प्लस में, यहां पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दोनों पेयर्स को जिनके ऊपर मैंने ये ब्रैकेट सा डाला हुआ है दोनों को डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, लिख सकते हैं वैसा हम
जो सेकंड वाली टर्म है वो कट हो जाएगी, सेकंड वाली टर्म है ये कट हो जाएगी, तो वहां तो वन बचेगा। अच्छा ये बताओ उस वन का साथ साथ इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसके तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और इसके नीचे डिनोमिनेटर भी ऐसे ही रहेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहां पर इस टर्म के जगह क्या आ गया, वन, और वन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स, तो इसके साथ तो डी एक्स अलग लिख देते हैं, प्लस में इस सेकेंड वाली टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स, और हाफ तो दोनों के साथ था तो एक्स का हाफ अलग ही लिख दो, ठीक है, हाफ दोनों के साथ था ना तो इसका हाफ भी लिख दो साथ साथ, प्लस में सी। अब हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना बाकी है, उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ जरा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस का डेरिवेटिव बताओ माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ कॉस एक्स, इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी, करेक्ट। अच्छा मैं प्लस को नहीं, हमें माइनस को पुट करना था भाई, डिनोमिनेटर हमारा माइनस है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो आप कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी पुट करो, ठीक है, बताओ फिर कॉस का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस साइन एक्स, माइनस में साइन का क्या होगा, कॉस एक्स इन टू डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी, नहीं बेटा कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस नहीं, ठीक है, माइनस यहां से कॉमन ले लें तो क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लिखेंगे डी एक्स डी टी, जो माइनस कॉमन लिया उसको राइट साइड में लगा दें लेफ्ट की बजाय, सो माइनस डी टी हो जाएगा, करेक्ट, क्या कर सकते हैं, आई अपना इंटीग्रेशन देखो अब क्या बना, क्या बना इंटीग्रेशन, अब ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके जगह होल के जगह क्या लिख सकते हो भाई, माइनस डी टी, माइनस डी टी, डिनोमिनेटर को लिख सकते हो, अच्छा हाफ भी है बार, डिनोमिनेटर को लिख सकते हो टी, प्लस में हाफ ऑफ एक्स प्लस सी, बताओ अब टी का इंटीग्रेशन, माइनस हाफ लॉग टी प्लस हाफ एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग ऑफ, बोलो टी क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस हाफ ऑफ एक्स प्लस में सी, सभी बच्चों ने आई थिंक पहले ही कर लिया, करके बैठे हैं सभी, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे, वेरी गुड, शाबाश, क्या न्यूमरेटर को टी लेके करेंगे, हाउ, तो डी टी किसको लिखेगा, वन अपॉन दिस इंटू डी एक्स, तो डी टी नहीं बनेगा, वन अपॉन तो आएगा कहां से, ठीक है, कैसे आएगा बताओ भाई, देखो एक बार ध्यान से देखो, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं आपका, 2x2, ध्यान से देखो, इधर आओ भाई, आपस में डिस्कशन मत करो, x2 dx, चलो मैं x नीचे लिख देता हूं, वैसे तो इसे x का कोई लॉजिक नहीं बनता, पर एक बार देखो तुम इसको, x2 को अगर मैं t पुट करूं, ठीक है, तो 2x क्या बनेगा, dx बनेगा dt, और x dx dt by 2 बन जाएगा, भाई इसको तो मैंने टी पुट कर लिया तो ये तो टी हो गया,
क्या मैं वन एक्स डी एक्स डी टी बाई टू के इक्वल आया है, तो क्या एक्स वन बाई एक्स डी एक्स को आप डी टी बाई टू थोड़े ना लिख सकते हो, समझे आप इस बात को। आप इस एक्स को मत देखो कि इसका डेरिवेटिव नीचे है, नीचे उसका डेरिवेटिव है, बट हमें तो इस फॉर्म में चाहिए एक्स डी एक्स, डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में चाहिए इसका डेरिवेटिव, वो तो नहीं है ना। वन अपॉन एक्स डी एक्स, आप इस एक्स को मत देखो कि उसका डेरिवेटिव था, समझे आप लॉग एक्स होता तो इसका डेरिवेटिव आता वन अपॉन एक्स और फिर ये डी एक्स, तब तो ये ठीक था, समझे इस चीज को आप। चले आगे, सो अगर उसका डेरिवेटिव वन अपॉन समथिंग बन के आ रहा है तब तो हम न्यूमरेटर लेके उसको रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बताएगा ही सी और सी रियली इंटेलिजेंट। बताओ कौन बता सकता है? हाँ कमेंट्स में आंसर लिख सकते हैं आप, आंसर कमेंट्स में लिख के बताओ मुझे जरा, ठीक है आंसर कमेंट्स में लिख के बताओ। देखो बच्चों जरा, रूट ऑफ टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, बताओ जरा क्या करेंगे, बता सकता है कोई बच्चा? बच्चों एक बात बताओ, आपने इस पूरी एक्सरसाइज में हमने एक ट्रेंड फॉलो किया है, और वो ट्रेंड क्या है कि हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए, जिसको हम ताकि फिर हम अपने किसी फंक्शन को टी पुट कर सकें और जो साथ में डेरिवेटिव के टर्म हो वो डीटी के साथ में मिक्स हो जाए, ऐसा कुछ किया है ना हमने। क्या करें यहाँ पर हम, क्या किसी का डेरिवेटिव है, क्या किसी का डेरिवेटिव है? टेन एक्स को क्या पुट कर दें हम, अगर टेन एक्स को टी पुट करें, क्योंकि रूट टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो हम नहीं जानते, तो ये तो बात साफ है कि रूट टेन एक्स को किसी ना किसी तरह सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि रूट टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, ठीक है। अगर इसको टी पुट करेंगे तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स, वो होना चाहिए, वो है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए वो है नहीं, तो हम इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए हम इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव, वो यहां पर नहीं है, इसलिए इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हम टेन एक्स को टी पुट करें, उसका डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स आएगा, हमें सेकेंड स्क्वायर एक्स मिल जाए, ठीक है। अच्छा अब मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना होगा, अकेला मल्टीप्लाई तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये सीकेंट स्क्वेयर तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए लिखा है, इसको तो हम नहीं बदलेंगे, चाहे कोई हमसे नाराज रहे या ना रहे, खुश रहे, हम टेंस सीकेंट स्क्वेयर एक्स को तो नहीं बदलेंगे, लेकिन इस सीकेंट स्क्वेयर का हम एक्स काम करें भी क्या, इसका हमारे लिए तो फ्री गिफ्ट मिला है हमें साथ में, तो इसको तो हमें सेटल करना ही करना है, ठीक है। सो बच्चों क्या करें, रूट ऑफ टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन में, देखो जरा साइन एक्स कॉस एक्स, ये जो सीकेंट स्क्वेयर एक्स है इसको क्या लिखो, वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, इस सीकेंट स्क्वेयर एक्स को क्या लिखेंगे, वन अपॉन cos स्क्वेयर एक्स। एक बात बताओ, क्या यहां से cos स्क्वेयर में से एक cos हम यहाँ के cos से कट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सो ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan x into secant स्क्वेयर एक्स अपॉन sin अपॉन cos, sin अपॉन cos क्या बन गया, tan x, ठीक है। नीचे क्या बन गया, डिनोमिनेटर में टेन एक्स बन गया। अब बताओ टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वेयर एक्स, वो भी है, सॉरी डिफरेंशिएशन, वेरी बेस्ट। अच्छा ये टेन एक्स की हाफ पावर है और ये टेन एक्स की वन पावर है,
रूट टेन एक्स से कट हो सकता है क्या? कट हो जाएगा और नीचे क्या बचेगी? हाफ पावर। नीचे क्या बचेगी? हाफ पावर इनटू में क्या है? सेकेंड स्क्वायर एक्स। इनटू में क्या है? सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब अगर हम टेन एक्स को टी पुट करते हैं, टेन एक्स को क्या पुट कर लिया जाए? टी पुट कर लिया जाए, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, और राइट हैंड साइड में t का डेरिवेटिव क्या होगा? dt, करेक्ट। सो बच्चों, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में जो सेकेंड स्क्वायर एक्स है dx है, वो तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा? dt अपॉन, नीचे क्या है ये टर्म? टेंजेंट को t पुट किया है, रूट t बन जाएगी। क्या लिख सकते हैं? रूट t का क्या मीनिंग होता है? हाफ पावर। रूट टी का मीनिंग क्या है? हाफ पावर, टी टू द पावर माइनस हाफ डी टी। बताओ इसका इंटीग्रेशन। पावर एक बढ़ा देंगे, नई पावर से डिवाइड कर देंगे, पावर एक बढ़ाएंगे, हाफ प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा? हाफ डिवाइडेड बाय न्यू पावर प्लस सी। ये डिनोमिनेटर में जो हाफ है कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? टू। और t टू द पावर हाफ, t की वैल्यू क्या रखोगे? t के जगह क्या रखेंगे? टेन एक्स। t के जगह रखेंगे टेन एक्स, और इसके ऊपर हाफ पावर है तो रूट रहेगा प्लस में c। ये आपका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है? समझ आया? हाँ, टी रख देते तो रूट टी अपॉन टी बन जाता, फिर बाद में टी को कट कर देते, ठीक है? कट तो करना पड़ेगा बिफोर इंटीग्रेशन, अदरवाइज आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई का कुछ हद तक होता है, डिवाइड का तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? आप बताओ जरा। अच्छा क्वेश्चन था, 35 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। क्या करेंगे? डेरिवेटिव किसका है देखो जरा ध्यान से, बताओ डेरिवेटिव किसका है हमारे पास? लॉग एक्स, लॉग एक्स या वन प्लस लॉग एक्स पूरा भी लग कह सकते हैं हम, ठीक है? सो अगर वन प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर दिया जाए, वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, क्या बनेगा? वन का डेरिवेटिव जीरो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी, दिस इज इक्वल टू डी टी। आई इज इक्वल टू, देखो जरा क्या कर सकते हैं बच्चों। ये वन बाई एक्स और डी एक्स इसके जगह तो डी टी हो जाएगा, और लॉग एक्स को हमने क्या पुट किया है? टी, सो टी स्क्वायर डी टी। बताओ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बताओ टी क्यूब बाई थ्री, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, और टी को क्या लिखेंगे? वन प्लस लॉग ऑफ एक्स का होल क्यूब प्लस सी, नीचे थ्री भी है, ठीक है? समझ आया? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू
एक्स प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इसका होल स्क्वायर। सोचो और बताओ किसको टी पुट करें, एक्स प्लस लॉग एक्स को। और एक्स प्लस लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा क्या वो है हमारे पास, है आई इज इक्वल टू, देखो जरा, तो एक्स प्लस लॉग एक्स को टी पुट करें, करो फिर पुट एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स का डेरिवेटिव वन लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी। अगर इसको एलसीएम ले लिया जाए तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बनेगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट डी टी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, समझ आया। तो ये जो टर्म है एक्स प्लस वन और ये एक्स और ये डी एक्स क्या बनेगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और ये डी एक्स, ये तीनों मिलके क्या बना देंगे डी टी। और एक्स प्लस लॉग एक्स को हम टी पुट कर चुके हैं तो इसके जगह होगा टी स्क्वायर और बाकी सारी टर्म्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी सभी टर्म्स के जगह डी टी आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बताओ जरा, अब क्या करें, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी और टी के जगह क्या लिखेंगे एक्स प्लस वन अपॉन, ओ सॉरी, टी के जगह क्या लिखेंगे एक्स प्लस लॉग एक्स, प्लस में क्या लिखना है सी, ठीक है हाँ, और पावर इसके ऊपर कितनी है थ्री है तो पर थ्री पावर भी लिखो। अच्छा अपॉन थ्री भी रह गया, क्या हो रहा है भाई, मैं तो आज सो के भी आया हूं 15-20 मिनट तो ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन, थर्टी सेवन, कौन बताएगा 37? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स फोर अपॉन वन प्लस एक्स एट डी एक्स, ये एक्स एट अभी एक्स क्यूब के बाद साइन भी है। अच्छा साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स फोर, टेन इनवर्स एक्स फोर, टेन इनवर्स एक्स फोर इंटू डी एक्स, बताओ जरा क्या करें, टेन इनवर्स एक्स टू द पावर फोर को क्या पुट कर दे, टेन इनवर्स एक्स टू द पावर फोर को क्या पुट कर दे टी के इक्वल वन अपॉन वन प्लस एक्स, देखो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इस एक्स का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर, तो एक्स फोर के जगह क्या हो जाएगा एक्स एट, एक्स फोर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स एट इंटू इस एक्स फोर का भी डेरिवेटिव होगा, चेन रूल यही था ना, फोर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू व्हाट डी टी, दिस इज इक्वल टू डी टी। सो देखो बच्चों एक्स क्यूब हमारे पास है, डी एक्स हमारे पास है, वन प्लस एक्स एट भी है, दिस इज इक्वल टू, दिस होल इज इक्वल टू, दिस होल इज इक्वल टू डी टी, इस फोर को हम राइट हैंड साइड में डी टी के नीचे लिख देंगे, ठीक है, साइन भी सेटल हो जाएगा, साइन की तो चिंता बिल्कुल भी मत करो आप। आई इज इक्वल टू बताओ
एक्स क्यूब, देखो इस टेन इनवर्स एक्स फोर को हमने टी पुट किया है, तो साइन के साथ ये क्या बन गया, इसके जगह टी डाल देंगे, ये बन गया साइन टी, क्या बन गया साइन टी। अब यहां पर देखो एक्स क्यूब, एक्स क्यूब डीएक्स डीएक्स, वन प्लस एक्स एट वन प्लस, ये सर्कल वाली तीनों टर्म्स मिला के क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन फोर, सर्कल वाली तीनों टर्म्स कंबाइन करके क्या बना देंगी, डी टी अपॉन फोर, डी टी लिख दिया मैंने, फोर बाहर लिख दिया, वन अपॉन फोर, साइन का इंटीग्रेशन, बताओ साइन का इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ कॉस टी, माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी। अब वापस टी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, क्या बनेगा, वन बाई फोर माइनस कॉस ऑफ टी, टी क्या है टेन इनवर्स एक्स फोर, टेन इनवर्स एक्स फोर प्लस सी, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन देखो जरा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स log ऑफ 10 टू द बेस e अपॉन एक्स टू द पावर 10 एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, बताओ जरा, डिनोमिनेटर का क्या करें, टी क्यों, डिनोमिनेटर को टी क्यों पुट करें, क्या उसका डेरिवेटिव है कहीं, यस बिल्कुल उसका डेरिवेटिव है। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है हमारे पास x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू, इसको हमने t पुट किया, डिनोमिनेटर को क्या पुट किया बच्चों, t, टेन एक्स टू द पावर 9, इसका डेरिवेटिव होगा 10 टू द पावर x, बताओ 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 टू द पावर x log ऑफ 10 टू द बेस e, किसी की बुक में शायद ये थोड़ा ठीक से नहीं लिखा हो, वो कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ बुक्स में थोड़ा ठीक से नहीं लिखा, वो अपना चेंज कर लें। देखो जरा, देखो जरा क्या करेंगे, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा भी, और ये 10 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे हुआ, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, कौन सा रूल लगा इस पे, ए टू द पावर एक्स, क्या होता है ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए टू द पावर लॉग ऑफ एक्स, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए, बेस जब नहीं दिया होता तो पूरी कैलकुलस में बेस क्या होता है, ई होता है, ठीक है, कैलकुलस में बेस नहीं दिया तो बेस क्या है, ई, लेकिन बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर बेस नहीं दिया तो बेस क्या होता है, टेन, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ध्यान रखें इस बात का, कैलकुलस में अगर बेस नहीं लिखा तो बेस ई होता है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेस अगर नहीं बताया तो बेस क्या होता है, टेन। फिर मत कहना कि मैथ सर की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, उन्होंने बताया था लॉग का बेस नहीं दिया तो ई होता है, ये इनटू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर dx इज इक्वल टू dt, तो बताओ न्यूमरेटर हमारा क्या बन गया, आप dt, न्यूमरेटर की पूरी टर्म क्या बन गई, dt, और नीचे क्या है, t, क्या लिखेंगे इसके इंटीग्रेशन को, log of mod t plus c, ठीक है, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी, टी क्या है,
बताओ टी क्या है, एक्स टू द पावर 10, 10 टू द पावर एक्स, ठीक है, प्लस में सी, करेक्ट, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 39, देखो बच्चों जरा, आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स, क्या करें, कौन बताएगा, कौन बताएगा, आप बताओ, हाँ इस ऊपर dx के साथ में क्या है, 1 dx है ना, है ना, और उस 1 को क्या लिख देंगे, लड़के ने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है भाई, हैं, लड़के ने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, चलो मल्टीप्लाई लिख देते हैं, नाराज मत हो, नाराज मत हो, झगड़ा तो बिल्कुल मत करो, ठीक है। अब क्या करें बच्चों बताओ, सेपरेटली डिवाइड कर दें, साइन स्केयर एक्स अपॉन साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स, प्लस में कॉस स्केयर एक्स अपॉन साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स इंटू डी एक्स, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं, आई इज इक्वल टू, देखो जरा, साइन स्केयर से साइन स्केयर को कट कर सकते हैं और यहां पर कॉस स्केयर से कॉस स्केयर को कट कर सकते हैं, तो क्या बन गया, वन अपॉन कॉस स्केयर, क्या होता है ये, सीकेंट स्केयर एक्स, वन अपॉन कॉस स्केयर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्केयर एक्स, यहां पर क्या बचेगा भाई, वन अपॉन साइन स्केयर जो कि क्या होता है, कॉसिकेंट स्केयर एक्स डी एक्स, बताओ भाई सीकेंट स्केयर एक्स, सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, टेन एक्स, सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टेन एक्स, प्लस में माइनस ऑफ कॉट एक्स, तो यहां माइनस आ जाएगा, कॉसिकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉट एक्स, प्लस में सी, समझ आया, इंटीग्रेशन हटती डीएक्स हट जाता है, डीएक्स डीटी सब, ठीक है, चले आगे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, बताओ टेन एक्स का इंटीग्रेशन, देखो बच्चों, देखो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इंटू डी एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, अब अगर पुट कर लिया जाए, क्या पुट कर लिया जाए, पुट कर लिया जाए कॉस एक्स को टी, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी टी, ठीक है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या बन गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल बन गया, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, ऊपर तो आ गया माइनस डी टी, क्योंकि ये साइन एक्स और डी एक्स पूरा मिलके क्या हो गया, कंप्लीट dt बन गया, नीचे cos x है, cos x को क्या लिखेंगे, t, बताओ अब इसका इंटीग्रेशन, 1 upon t का log mod t, प्लस में क्या होगा, c, this is equal to minus log of t की वैल्यू बताओ, cos x plus c, इसलिए बच्चों
टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ मोड कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर है? एक बात और बताओ, अगर इस माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख लेता हूं मैं, तो माइनस वन पावर का मीनिंग क्या होता है? वन अपॉन रेसिप्रोकल। तो ये बन गया लॉग ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। कॉस की पावर माइनस वन है तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। और वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? सेक एक्स प्लस में सी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को आप और क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को आप क्या लिख सकते हो? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को आप क्या लिख सकते हो? लॉग ऑफ मॉड कॉस, माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स प्लस सी। ये दोनों ही किसके इंटीग्रेशन है? ये दोनों ही एक्चुअल में तो दोनों एक ही है, ठीक है। कंफ्यूजन लग रहा है, बताओ बताओ बताओ। ऐसे होता है log of m to the power n, इसको n log m लिखते हैं हम, तो यहां से ये पावर यहां से यहां आ सकती है या यहां से वापस भी जा सकती है। तो माइनस ऑफ log x है मान लो, आप इसको इस माइनस वन को, इसको माइनस वन लिखो और इसको x की पावर माइनस वन लिख दो, इसको आप अब log of वन अपॉन x लिख सकते हो, ठीक है। समझ आया? बोलो आया कि नहीं आया? आया ना, बोलो आया। बोलना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स, बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे? कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू क्या लिखेंगे? डी एक्स, ठीक है। अब क्या करें? डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, जो बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है वो साइन एक्स है, उसको क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे, ठीक है। अब साइन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बताओ, माइनस ऑफ कॉस एक्स या प्लस ऑफ कॉस एक्स? प्लस कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स डी एक्स क्या बन गया? डी टी के इक्वल हो गया। सो न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो गया भाई? डी टी डिवाइडेड बाय साइन एक्स को क्या लिखा था? टी पुट किया था। क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन? लॉग ऑफ मॉड टी प्लस में क्या लिखेंगे? सी। टी की वैल्यू बताओ क्या है? टी की वैल्यू क्या है? साइन एक्स प्लस में क्या है? सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या आ गया? लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, याद करके रखेंगे इसको आप, ठीक है। चलें आगे, देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, क्या हमने पढ़ा इससे पहले sec x का इंटीग्रेशन? बिल्कुल भी नहीं। हमने किसका इंटीग्रेशन पढ़ा है? secant square x का, वो क्या होता है? tan x, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ secant x क्या होगा बच्चों, बताओ क्या होगा? secant x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? secant x प्लस tan x से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? secant x प्लस tan x से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस टेन एक्स से।
ठीक है बच्चों, आप जरा secant x plus tan x को t लेकर पुट करो, t पुट करो, किसको पुट करोगे? secant x plus tan x को क्या पुट करेंगे? t. secant का डेरिवेटिव बताओ, secant x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव बताओ, secant square x into dx, this is equal to dt. अब क्या करें, यहां से secant x कॉमन ले लो, ठीक है, क्या बाकी बचेगा? tan x प्लस secant x into dx, this is equal to dt. ठीक है, अब देखो अपने क्वेश्चन को, न्यूमरेटर में जो secant x into secant x plus dx है, ये कंप्लीट क्या बन गया? dt. और नीचे जो secant x plus tan x है, इसको हमने क्या पुट किया था? t. सो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log mod t plus t c. सो log ऑफ t की वैल्यू बताओ जरा, t की वैल्यू बताओ क्या वैल्यू हो जाएगी? secant x plus tan x, secant x plus plus tan x plus c. तो किसका इंटीग्रेशन आ गया? ये secant x dx का इंटीग्रेशन आ गया. किसका आ गया? दिस. ठीक है, याद रखोगे, ये भी एक फॉर्मूला होता है. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x dx क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? बाई cosecant x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करेंगे, और cosecant x माइनस cot x से ही डिवाइड करेंगे. करेक्ट, पुट किसको करें? डिनोमिनेटर को. किसको पुट करोगे? cosecant x माइनस cot x इज इक्वल टू t. ठीक है, क्या बन गया? माइनस cosecant x माइनस, ये बताओ क्या बनेगा? एक मिनट भाई, cosecant का बताओ, माइनस cosecant x इंटू cot x, माइनस cot का बताओ, माइनस cosecant स्क्वेयर होता है, ये प्लस हो जाएगा, cosecant स्क्वेयर x इंटू dx, दिस इज इक्वल टू dt. क्या कॉमन ले लें? क्या कॉमन ले लें? cosecant x कॉमन ले लेते हैं. यहां पर क्या बचेगा? cosecant x. क्या बचेगा यहां पर? cosecant x. यहां से cosecant कॉमन ले लिया, बताओ क्या बचेगा? into dx, into dx, this is equal to dt. ठीक है, this is equal to, बताओ जरा, ये complete term क्या बन गई? dx तक ये dt बन गई. और denominator में इसको क्या लिया था? इसको t लिया था. so इसके जगह क्या लिखेंगे? t. इसका integration क्या हो गया? log of mod t plus c. t की value क्या लिखेंगे? cosecant x माइनस cot x प्लस c. ये किसका इंटीग्रेशन आ गया? cosecant x dx का इंटीग्रेशन ये आ गया. ठीक है, तो चार फॉर्मूले हमने आज किए, ये चारों आपको याद रखने हैं. ठीक है, क्या क्या थे ये चार फॉर्मूले? नंबर वन,
इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, लिखो फिर से एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स प्लस सी, माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स, बताओ क्या होता है? लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। और इसका एक और भी इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है? लॉग मॉड सीकेंट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ, सीकेंट एक्स डीएक्स, बोलो जरा, लॉग मॉड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। उसके बाद फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स, बताओ जरा, लॉग कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। समझ आया? तो ये चारों फॉर्मूले याद करने हैं और इसको एक बार दोबारा रिपीट करना है। कर लोगे रिपीट? ठीक है।